जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने रेडमी पोको MI के किसी भी फोन में MIUI 13 का गेम टर्बो कैसे इंस्टॉल करें, साथ ही साथ इस गेम टर्बो में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंटरेस्टिंग है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरम्भ करते हैं। MIUI 13 के गेम टर्बो को अपने किसी भी Redmi Poco Mi के फोन में कैसे इंस्टॉल करना है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने अपने BGMI गेम में इसको इनेबल कर रखा है। सबसे पहले हम बात करें, देन आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो UI है आपको कम्प्लीटली चेंज नोटिस हो जाएगा। आपको ऊपर टॉप पे गेम टर्बो शो हो जाएगा, क्लॉक और आपके फोन की बैटरी भी आपको शो होगी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं। ऊपर आपको GPU, CPU, FPS के साथ ही साथ एक नया ऑप्शन नोटिस होगा और इसकी UI भी चेंज हो गई है, जो कि है गेमिंग मोड। यहाँ पे आपको दो अलग अलग मोड इस बार प्रोवाइड किए गए हैं, पहला है बैलेंस मोड और दूसरा है परफॉर्मेंस मोड। परफॉर्मेंस मोड को आप जैसे इनेबल करेंगे, यहाँ पे मे बी चांसेस है कि आपके फोन में स्लाइटली ओवर हीटिंग नोटिस हो और साथ ही साथ आपके फोन की बैटरी भी थोड़ी बहुत ज्यादा ड्रेन हो सकती है, बट आपको जो गेमिंग में परफॉर्मेंस मिलने वाला है वो नेक्स्ट लेवल मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्लियर मेमोरी, DND, स्क्रीन शॉट और रिकॉर्डिंग के भी ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ब्राइटनेस कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको यहीं से ऐड कर दिया गया है। आपको अपने कंट्रोल सेंटर को ओपन नहीं करना है। वाईफाई से अपने फोन को कनेक्ट डिस्कनेक्ट यहीं से कर सकते हैं। मोबाइल डेटा से आप गेमिंग कर रहे हैं, आप उसको यहीं से स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने गेमिंग को कास्ट करना हो किसी भी दूसरे वायरलेस डिस्प्ले में, उसका भी ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन, जिससे क्या होगा कि आप गेम प्ले में रहेंगे बट आपके फोन की स्क्रीन ऑफ रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक नया फीचर मिलता है, जो कि आपको नोटिस होगा नन में। आप देखेंगे कि आप यहाँ पे डिस्प्ले की कलर सैचुरेशन को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको अलग अलग तीन मोड मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है गेम टर्बो की सेटिंग का, लेकिन सबसे मेन जो है वो है आपका वॉइस चेंजर का ऑप्शन। इसकी भी UI को चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अलग अलग 6 मोड मिल जाते हैं। मैं आपको एक मोड यूज करके भी सुना देता हूँ कि किस टाइप से आपको वॉइस चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे रोबोट की वॉइस को सिलेक्ट करता हूँ। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा वॉइस चेंजर इज ऑन। उसके बाद मैं इस पे जैसे ही होल्ड करता हूँ प्रेस करके, देन आप नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ डेमो के लिए वो चीज रिकॉर्ड हो रही है। मैंने जो बोला मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों ये वॉइस चेंजर कुछ इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टाइमर का, जहाँ पे आप अपने गेम प्ले के टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं सबके ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इनको यहीं से एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ और भी एप्लीकेशन ऐड करने हो आप उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है उसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन ओपन करके भी दिखा देता हूँ, जहाँ से आप देखेंगे कि हम जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन किए आपको साइड में एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, जहां से आप सारे एप्लीकेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन को यूज करना है यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे ही बैक जाएंगे आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों गेम टर्बो की सेटिंग की, देन आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे कि आपको जो पेज लेआउट है इसके भी अलग अलग ऑप्शंस अलग अलग तरीके से अरेंज किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे नीचे एडिशनल सेटिंग के बारे में, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपने गेम टर्बो में कौन कौन से एप्लीकेशन को ऐड किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गेम DND का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा भी आपको अलग अलग शॉर्टकट वगैरह के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों गेम टर्बो एप्लीकेशन की UI की, देन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी आपको स्लाइटली चेंजेज नोटिस हो जाएंगे। आपको जो भी गेम ऐड करने हो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा प्लस का आइकॉन मिल जाता है, जिस पे टैप करके आप गेम्स को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपके CPU और आपके GPU का परफॉर्मेंस आपको शो होता रहेगा। गेम टर्बो की सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि MIUI 13 के इस गेम टर्बो को आप अपने Redmi Mi Poco के किसी भी फोन में कैसे इंस्टॉल करें। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रोवाइड कर रखी है सिक्योरिटी एप्लीकेशन की, जिसका वर्जन है 6.0.1, जो कि एकदम लेटेस्ट वर्जन है। सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके नॉर्मल APK की तरह इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है, देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल फीचर्स का। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे देन टॉप पे आपको गेम टर्बो का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे देखेंगे कि कुछ इस तरह से एनिमेशन के साथ आपके फोन में भी लेटेस्ट गेम टर्बो इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद।